हम लोग ने कोविड टेस्ट कर लिया है, हम दोनों नेगेटिव हैं, तो ये गाड़ी आ गई। हाँ, एस्टन मार्टिन। हम करेंगे इन दोनों कार्स का शूट। यहाँ पे तो हमेशा सेक्सी सेक्सी व्हील्स देते रहते, कितने सारे इसमें स्पोक्स हैं। और हम नाश्ता करने निकले हैं और गगन जी यहाँ पे सर्कस ज्वाइन करने की प्लान बना रहे हैं। सर्कस? वेल, टाइम आ गया यहाँ से चेकआउट करने के लिए। अब क्या हुआ ना, हम लेट रन कर रहे थे, मुझे कुछ वीडियो भी शूट करना था, तो हमने पूछा इनसे लेट चेकआउट कर सकते हैं क्या, तो बोलते हैं हाँ कर सकते हो, एक बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। का क्या सही गजब बात है, बोलते हैं दैट विल बी 10 pounds प्लीज। मतलब 800 रुपए लेट चेकआउट के लिए। यहाँ पे बिल्कुल भी इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में तो मतलब बोलते हैं हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी अनबीटेबल। अभी क्या है, हमारे पास दो गाड़ियां हैं लेकिन लगेज बस फिट आता है क्योंकि छोटी बूटे यहाँ पे। यहाँ पे भी अभी गगन का तो बैग आना है ऊपर और एक और बैग आना है, तो वो एक्चुअली अंदर रखा है गगन ने, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। आपको बहुत बड़ा बैग चाहिए। वाटर बॉटल्स हमने कल खरीद ली। अगर आप ज्यादा बॉटल्स हो तो सस्ता पड़ता है, एक एक लोगे तो बहुत महंगा पड़ता है। अभी 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, फिर वहाँ पे चेक इन करेंगे, वहाँ पे हम अच्छे दिन रहने वाले हैं। तो शूटिंग स्टार्ट होगी कल से अच्छी वाली दोनों गाड़ियों की। गगन, चार्ज करना है तो मुझसे पूछो, लेकिन आइंदा मेरी स्विफ्ट पे गलती से भी आंख मत डालना, नजर बिल्कुल मत डालना। गजब बेइज्जती है। ये भाई की गाड़ी में चार्जिंग का वो ऑप्शन नहीं है, तो बोल रहे हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं स्विफ्ट चलाऊंगा, थोड़ी देर के लिए फोन चार्ज कर लिया। अच्छी प्लान थी आपकी, लेकिन फ्लॉप हो गई, फ्लॉप। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हम लोग गाड़ी में बैठे थे, क्यों पता है, अरेंज कर रहे हैं नेक्स्ट गाड़ी। हाँ, उसके सब फॉर्म वॉर्म भर रहे थे। तो बेसिकली हम ऑलमोस्ट 90% आ गए हैं और फिर भी हम थोड़े बहुत अर्ली हैं, तो इसके लिए हमने, अरे यार ये गाड़ी है बस प्लेन, इसलिए हमने यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। मैप में कुछ बोची हो गई है, तो फिर हम जाएंगे, पहले कुछ खाएंगे इंडियन स्नैक्स और फिर जाएंगे चेक इन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। गाड़ी का कल शूट करना है, जो गाड़ी आने वाली है कल एक और, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट लिखा हुआ है, तो ये गाड़ी में हमारे साथ रहने वाली, वो भी रहने वाली, तो 3-3 गाड़ी अभी कहाँ पार्क करें वो एक और समस्या है। देखो भाई, रोड पूरी खाली है। हाँ, लेकिन यूके में जितने स्पीड कैमराज हैं पूरी दुनिया में उतने नहीं है जितने यूके में अकेले हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब स्पीड कैमराज के पीछे पड़े रहते हैं, और टॉप स्पीड से 70 miles मतलब 112 km/h, वो काफी कम है क्योंकि काफी सारी जगह 130 km/h भी है। तो आपने एक्चुअली नींद में पक जाए यहाँ पे चला के, ऐसा लग रहा है हाईवे में घाट रोड में जाके चलाएंगे तो मजा आएगा। स्विफ्ट का यहाँ पे एक दुकान है, उस पे लिखा है बजट बाइक्स। अरे हाँ ठीक है, नहीं घुसेंगे, अपनी गाड़ी है, बजट बाइक्स लिखा हुआ है। पता है क्या, उसमें मोटो जीपी बाइक बना के रखी हुई है, बजट बाइक हुई, क्या बात है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो यहाँ पे बेसिकली पार्किंग है नहीं, बट कहाँ पे पार्किंग है, बोलते हैं प्राइवेट लैंड है, पार्क कर दिया तो 100 pounds फाइन, 14 दिन में पे करो तो 60 pounds, मतलब पहले लूटा था इंडिया को, अभी भी लूटना चालू है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे भाई, रिस्क नहीं लेने का, इसलिए हम आए यहाँ पे अभी कार पार्क में पार्क करने। इसमें एक 1.40 pounds लगेंगे, मतलब ठीक है, लगभग 120 rupees एटलीस्ट सेफ तो है गाड़ी। हम लोग इतना घूम फिर के क्यों आए बताए, इंडियन स्नैक्स खाने। तो बेसिकली हमने नूडल्स ऑर्डर किए इंडियन रेस्टोरेंट में, जिन्हें हम ऐसे समोसे भी कोल्ड फ्रेश मतलब फ्रोजन समोसे भी बना के दे दिए। गगन की फेवरेट चीज इसमें है कॉर्न, मैंने बोला एक ही में डालना, वो जो गगन की उसमें डाल दिया। कैसा लगा आपको? ये देखो अच्छी सी रॉयल एनफील्ड पार्क करके गया, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं चलाता यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो हम पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी। मैंने उनको बोला था मैं थोड़ा अर्ली चेकआउट करूँ, चेक इन करूंगा 2:30, और आए हम लोग 4 बजे क्योंकि गगन को कुछ ना कुछ खाना होता है। जो यहाँ पे साइड में जो रहती है ना वो मैनेज करती है, तो वो बोल रही थी, मुझे बोला लगा कि आप 10 बजे आने वाले, पूछी थी क्या कहती है, बता कार रिव्यू करती है। मैंने कहा कार का फाइन लगेगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग का, बोली कोई नहीं पार्क का तो विलेज में गाँव में फाइन लगता है। हमारे पास दो गाड़ियां एक और आएगी कल जो हम यहाँ पे पार्क करेंगे। चलो यहाँ पे कोड डाला मैंने, खोल के चाबी हाथ में मिल गई, अंदर देखते हैं। स्टार्टिंग किचन से हो रहा है, छोटू सा फ्रिज है, छोटू सी डाइनिंग टेबल है, ये बंद होगा, अरे ये भी खुला, क्या बात है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह है, और यहाँ पे थोड़ी सी बैठने की जगह है। ओहो हो, ये तो मजा आ गया, क्या बात है, यहाँ पे छोटी सी बैठने की जगह और है। इट सेज ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। यहाँ पे घर बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। अभी जो बेडरूम है वो ऊपर है, इसके लिए हमें स्टेयर से जाना पड़ेगा। अरे ये लोग ने सोच समझ के बनाया कि 1 bedroom बनाएंगे, काफी कोजी है। अच्छी बात है हम यहाँ पे काफी दिन रह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बिस्तर, मैं विंडो वाला चुपचाप से ले लेता हूँ, अपनी चाबी डाल देता हूँ ताकि गगन वहाँ पे कब्जा ना करे। और ये वॉशरूम है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। बेस्ट चीज क्या है, यहाँ से आप अपनी गाड़ी देख सकते हो, कल यहाँ पे एक सुपर कार होगी। नाइस, गुड जॉब। ऐसे कैसे फेंक दिया आपने पानी की बॉटल, फट गई। हाँ हाँ, झूठ बोलो तो ऐसा, जैसे मैं बोला था यहाँ से आपको व्यू मिलेगा आपकी गाड़ियों का, ये देखो मैंने तो पढ़ लिया। देखो यहाँ पे ऐसे खड्डा टाइप है ना ग्लास, वो इस घर में नहीं जाता, वो एक्चुअली जाता है साइड वाले घर में, क्योंकि एक बड़ा घर है जिसमें एक पार्टी लोग ने ऐसे करके रखा हुआ है। ये जो ग्लास है ना वो बताता हूँ किधर है। तो यहाँ पे एक झाड़ू लगी हुई है, अगर आपको कहीं तेज जाना है ना तो इस पे बैठो और उड़ जाओ। और ये रही वो ग्लास। नाइस गगन, ये तुम्हारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज, क्या करने की पता है, मुझे जो है कोरियोग्राफर बनने की। Not bad, not bad.
ना यू। The next day. Good afternoon. जिसका मतलब डर था वही हो गया, थोड़ी बहुत बीमार पड़ गए हम। गगन को जुकाम हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, हम लोगों ने कोविड टेस्ट कर लिया है, हम दोनों नेगेटिव हैं। तो अब एक्साइटेड है क्योंकि एक गाड़ी आने वाली बहुत ही जल्दी। उसी खुशी में गगन ने डिसाइड किया वो आज खाना बनाएगा। तो गोल गोल रोटी और दाल गगन ने बनाई है। पहले बताता तुम्हें खाना बनाना आता, मैं तो शादी नहीं करता। अच्छा, जस्ट लंच रेडी हुआ था लेकिन हम खा नहीं पाए क्योंकि ये गाड़ी आ गई। हाँ, एस्टन मार्टिन रोडस्टर आ गई है। जो बंदा आया था ना डिलीवर करने, वो मुझसे पूछ रहा है तुम बहुत पॉपुलर हो गए ना यहाँ पे। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोल रहा है सबको आसानी से एस्टन मार्टिन कौन देता है भाई, जलवा है हमारा। तो बेसिकली सीन ये हुआ ना कि एस्टन मार्टिन इंडिया को मैंने बोला कि मुझे एस्टन मार्टिन चलानी है DBX 707। तो 707 थी नहीं, तो उन्होंने कहा ये भेज देते तुम्हें वेंटेज रोडस्टर। एंड मैं बोल रहा था कि वो बंदा बोल रहा था कि आसानी से किसी को एस्टन मार्टिन दे देनी, आपको दे दी मतलब आप पॉपुलर तो हो गई। अभी मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है घर के सामने क्योंकि हम शायद एस्क्रॉस लेके जाएंगे और स्विफ्ट लेके जाएंगे शूट पे। आई एम नॉट श्योर बिकॉज 3 बज रहे हैं, अभी खाना भी खाएंगे, लेट हो रहा है, सनसेट भी यहाँ पे जल्दी हो रहा है, लगभग 7:30 ही हो जाता है, तो वो देखना पड़ेगा। रूफ डाउन करके रखी, थोड़ी फोटोज लेते, माहौल बनाते हैं एस्टन मार्टिन के साथ, ठीक है। गाड़ी बहुत मस्त है बट एक बताऊं प्रॉब्लम, बटन समझने में थोड़ा टाइम लगता है, सब कुछ अलग है। मतलब यहाँ पे देखो गैस दिए हुए हैं, यूजुअली वहाँ पे दिया है मर्सिडीज सिस्टम, मर्सिडीज इंजन है, मर्सिडीज की भी है इसके अंदर, बट बहुत ही अलग सिस्टम है, तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। मुझे जो हेडेक वेडेक हो रहा था, माइग्रेन वाइग्रेन, वो पूरा चला गया ये गाड़ी देख के, क्योंकि गाड़ी तो एकदम बम है। प्रॉब्लम ये हुई ना, हमारी एस्कॉर्ट्स गंदी होगी। वो बंदा आया घास काटने के चक्कर में पूरी एस्कॉर्ट्स पे उड़ा दिया। ये देखो अब हम कैसे शूट करेंगे, तो उसको धुलवाना पड़ेगा। और एस्टन के साथ ऐसा बम शूट करना है ना कि लोग याद रखे क्या गाड़ी का वीडियो बनाया। चलो गाड़ी ऑन करते हैं। रूफ बंद करते हैं बिकॉज अभी अंदर जाएंगे हम, और ये ऑटोमेटिकली ऑडियो सिस्टम चालू हो जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है। ये बंद हुआ, ये विंडोज बंद हुई, अब हम गाड़ी बंद कर देते हैं, ठीक है। चलो निकलते हैं बाहर। तो थिंग इज कि जो हमारी नेबर है ना, जो यहाँ पे हैंडल कर रही है, वो आके मुझे बोलती है ओ माई गॉड कौन सी गाड़ी है, तुम बहुत फेमस हो गए यहाँ पे, सब लोग तुम्हारे यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे हैं एंड ऑल दैट। पूछती गाड़ी कौन सी है और कितने की, मैंने बताया 300,000 pounds बोलती है। 300,000 pounds मेरे ड्राइववे पे, मतलब अलग ही क्रेजीनेस है। चलो काम करते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी फोटोज डालते हैं, फिर प्लान करते हैं। इस गाड़ी का शूट तो कर नहीं पाएंगे आज, अब हमारे पास 3 दिन है 3 गाड़ी शूट करने के लिए। एक दिन में एक एक नहीं करेंगे क्योंकि स्विफ्ट और एस्क्रॉस एक साथ करेंगे, दोनों ले जाएंगे, एक गगन शूट करेंगे, एक मैं करूंगा, तो जल्दी से वो काम हो जाएगा। एस्टन मार्टिन में थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे समझने में भी बटन्स किधर कहाँ है छुपे हुए। चलो बंद करते हैं, निकलते हैं। ये देखो बाथरूम से मैं देख रहा हूँ बच्चे पार्टी यहाँ पे आके फोटोज ले रहे हैं गाड़ी के, ठीक है। यहाँ पे तीनों गाड़ी दिख रही है, स्विफ्ट और एस्कॉर्ट को तो ऐसे इग्नोर करके रखा है, लेकिन वो हमारी लैंड लेडी है एक्चुअली। और ये देखो मजे में सब फोटो ले रहे हैं, क्या बात है। अब गाड़ी निकाल के जानी पड़ेगी। गगन बोल रहा था कि हम स्विफ्ट लेके जाएंगे, मैंने कहा नहीं नहीं एस्टन मार्टिन ही लेके जाएंगे इसी रीजन के लिए। बहुत ही मुश्किल से एक लोकेशन मिली शूट करने के लिए, थोड़े बहुत फोटोज ही लेने, ज्यादा कुछ करना नहीं है आज। तो फाइनली थोड़ा बहुत शूट करके हम आगे, कुछ ज्यादा खास शूट हुआ नहीं, बट रोड्स कैसी भी हो ये गाड़ी बहुत स्टिफ है, ये हमें समझ आ गया। चलने का मजा है बट स्पीड लिमिट यहाँ पे बहुत ही, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ऐसे कैसे स्पीड लिमिट रख देते हैं ये लोग ने। ऐसी स्पीड लिमिट रखी 112 किलोमीटर आवर टॉप, हमारे इंडिया में 120 है, सोचो। एक बड़ा खौफनाक और बड़ा सा जानवर अंदर आ गया घर के, कहाँ उड़ रहा है दिख नहीं रहा, अरे वो ऊपर रहा। खौफनाक और बड़ा ही लग रहा है भाई, 200 रुपए ले नीचे उतरा। The next day. Good morning. देखो रात को इतनी ठंडी होती ना, गाड़ियों की हालत देखो। तो चलो शूट पे निकलते हैं। इस गाड़ी का नहीं पता है मुझे, आप ज्यादा देखना चाहते हो इंटीरियर इसका, बट मैं आपको कितनी बार भी दिखाऊं वैसी की वैसी ब्यूटीफुल ही रहने वाली है। हम करेंगे इन दोनों कार्स का शूट, काफी लेट हो चुका है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। हमेशा हम लेट ही चलते हैं, क्यों पता है? क्योंकि कुछ काम था, सुबह में जल्दी उठ गया था, एक मीटिंग थी वो अटेंड करनी थी। इंडिया टाइम के हिसाब से यहाँ पे 4.5 घंटे पीछे मीटिंग 11 बजे थी, तो मैं 6 बजे उठ गया, 6:30 बजे वो मीटिंग खत्म की। अब इस गाड़ी को अच्छे से धुलवाएंगे, फिर शूट करेंगे, और फिर कल इसका शूट करेंगे, फिर परसों शायद देखेंगे गाड़ी रिटर्न करनी तो वो कर देंगे, क्योंकि बाकी 2 और गाड़ी आने वाली है। बिजी। फाइनली कार वॉश मिल गया, 2 pound में 4 मिनट मिलेगा यूज करने के लिए, वो लगभग 180 रुपए में हमें 4 मिनट लगेगा ये चलाने के लिए। आगे से पहले अच्छे से धो देंगे, आवाज बहुत कर रहा है, हमें तो लाजली आगे का ही धोना है, बट कोई नहीं, कम ऑन गगन यू कैन डू इट, वेयर इज द जोश। कार वॉश हो रही है अंदर, दिख रहा है, लगता है मुझे कॉफी पीने वाला है सबसे आज। पैदल भाई
गन क्या लोकेशन लेकर आ गया है शूट पे, यहाँ पे लिखा है कुछ भी एक्सप्लोड हो सकता है, बॉम्ब के शेल्स वेल तो संभाल के। तो बेसिकली हम जिस जगह आए हैं ना, यहाँ पे ये वार्निंग इसलिए थी क्योंकि ये ओल्ड वर्ल्ड वॉर की ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। यहाँ पे अभी भी कोई एक्टिव बॉम्ब्स हैं, ठीक है, लेकिन इस एरिया में नहीं है। जिस एरिया में है वहाँ पे लिखा है डेंजर इंपैक्ट एरिया कीप आउट, ठीक है। यहाँ पे फायरिंग वायरिंग चलती तो ये रेड फ्लैग लगा देते हैं। अभी इस गाड़ी का शूट मैंने कर लिया है वॉक अराउंड, एस्क्रॉस का भी वॉक अराउंड कर लिया है, इसकी शॉट्स और रील्स बाकी है, छोटा सा मैं जल्दी से फिनिश कर दूंगा, उसके बाद ड्राइविंग व्लॉग करेंगे, हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि गाड़ी तो सेम इंडिया वाली, ओनली थिंग इज जापान में बनी, क्वालिटी बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर है, सस्पेंशन स्टिफर है, गियर शिफ्ट बेटर है, बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। तो हम गाड़ी यहाँ पे शूट कर रहे हैं, वहाँ से लोग पता नहीं प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करें, एक के बाद एक प्लेन उड़े जा रहे, ये क्या है, मतलब बकचोदी जो चल रही है। हाँ हाँ भैया कर लो प्रैक्टिस अच्छे से, लेकिन ये साथ में उड़ने का क्या प्लान है आप लोगों का। अरे भैया एकदम सीक्वेंस में, इनके तो अलग ही मजे चल रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं कब से, ये देखो आई एम श्योर इनको बताया होगा किधर से कहाँ जाना है, वरना एक दूसरे के अंदर भिड़ जाएंगे। हाँ तो मजे कर लो, हम यहाँ पे स्विफ्ट चलाएंगे। ये देखो इनकी क्लोज फ्लाइंग चल रही है अभी, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं बट एकदम पास आ रहे हैं, आई थिंक ये लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस चल रही है। क्या लग रहा है ये यार, मजा आ गया, ओ लाला। और अभी इन लोग की फ्लाइंग खत्म होगी, ये लास्ट वाला आ रहा है और यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है और हम इस पे बहुत ब्यूटीफुल शॉट लेने वाले हैं। अरे अरे कमर मुड़ जाएगी ऐसे घूमते। तो अभी हम थोड़े बहुत शूट कर रहे हैं बी रोल्स दोनों गाड़ियों का, स्विफ्ट का हो गया है, थोड़ा ऑफ रोड में इसका निकालेंगे, एस्क्रॉस का तो यहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां बहुत ज्यादा गंदी हो गई हैं। और क्या गजब सनसेट हो रहा है, इस पे चला के आए गाड़ी हम फिलहाल, बेचारी स्विफ्ट को तो रोड पे चलना पड़ेगा। ये देखो एस्क्रॉस का क्या हुआ है, होता है ऑफ रोड जाओगे तो ऐसे ही होगा। गाड़ी इतनी गंदी हो गई है कि हम अभी इसको वॉश करवाने, कुछ छूट नहीं है, शूट पूरा खत्म हो गया, लेकिन रिटर्न करने से पहले थोड़ा साफ करके तो दे दे, ऐसा गगन बोल रहा था। क्यों गगन जी, सही बात है, अच्छी तो बात है, उस गाड़ी की हालत देखने लायक नहीं है, तो पहले इसको वॉश करेंगे, मीनवाइल साइड बाय साइड इसको ही पार्क करके रखी, इसको भी वॉश करेंगे, दोनों को वॉश करेंगे अच्छे से, फ्यूल व्यूल करके सब पार्क कर देंगे, क्योंकि अब चलाएंगे हम एस्टन मार्टिन। अच्छा साबुन से करोगे भी, आगे का निकला कि नहीं। स्विफ्ट का फ्यूल पूरा गुल हो गया, इसलिए अभी स्विफ्ट में फ्यूल भरना बहुत जरूरी है, बाकी क्या बोलते हैं एस्क्रॉस में थोड़ा बहुत फ्यूल है, इसको हम बहुत खींच के चलाते हैं। चलो अभी इसमें भी भरा ही देते हैं एस्क्रॉस में, इसका पाइप क्यों नहीं पा रहा लंबा, खोलो ना भैया जरा। हाँ डीजल तो नहीं डाल रहे ना, डीजल ही डाल रहा हूँ मैं, डोंट वरी। कल के वीडियो के लिए भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है और हम आ गए यहाँ पे सुपरमार्केट, कुछ शॉपिंग करनी है, घर जाके खाना भी तो बनाना है भाई गगन को, मुझे नहीं। चलो मुझे लगा कि आप नीचे खोल के रखोगे जैसे BMW में रखा था, मतलब BMW वाला फीचर सुजुकी में भी आता है, तभी तो सुजुकी कॉपी करते हैं लाइट्स। और अभी टाइम आ गया है गाड़ी निकालने का, सामान उठाओ पैसे दे जाओ, बस इंडिया में होता तो ये जब्त हो जाता पूरा सामान और पैसा भी। करोल बाग से काम कराया था मैंने, मना किया था मत कराओ, बैठ के सस्पेंशन कपलर टू कपलर किया है भाई ने, देखो।